प्रदेश कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए कहा है कि प्रदेश में बढ़ते पर्यावरण विरोधी औद्योगिकरण ने कोरोना को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार कोरोना ने उन औद्योगिक क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित किया है जहां पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी का आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, तो तमाम जो पर्यावरणविद संगठन है, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स है, उनसे चर्चा करके हमने ये जांच की है और इस निष्कर्ष पे आंकड़ों के सहारे पहुंचे हैं कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जिन क्षेत्रों में हमारी जो आवा हुआ है वो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट से खराब हो गई हो, वो चाहे जो गाड़ियों का प्रदूषण है उससे खराब हो रही हो, या कोयला इंडस्ट्री की वजह से धुआं निकल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से तमाम छोटे पार्टिकल संदादुद खनन हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मार जो है कोरोना की पड़ी है। वहां पर डेथ रेट भी ज्यादा हुआ है और लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हुई है, क्योंकि कोरोना ये देखने में आया है कि हर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। अधिकांश लोग इसे रिकवर कर रहे हैं। कौन लोग रिकवर कर रहे हैं? जो अच्छी ताजा हवा में रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहां पर डेथ रेट भी ज्यादा है, बीमारी का आंकड़ा भी ज्यादा है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी वहां पर ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां के लोगों के लंग्स ऑलरेडी जो है इन्फेक्टेड है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो मेरा भविष्य की तरफ जो है सरकार से यही मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे औद्योगिक रेवोल्यूशन है वो विकास के लिए आवश्यक तो है, लेकिन पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करके जो औद्योगिकरण हो रहा है अंधाधुंध, जिसकी आवश्यकता नहीं है मानव जाति को, क्योंकि यदि अब आपने 2 वर्षों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो आपने देखा होगा कि हमारी आवश्यकताएं कुछ और है, हम किसी और दिशा में भटक रहे हैं, प्रकृति को हम बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं, और यदि प्रकृति को संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस प्रकार की महामारी से 1-2-4 होना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी नहीं है। आज ऑक्सीजन के बिना हम ज्यादा लोग जो है तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, उपचार ना होने की वजह से ज्यादा डेथ्स हो रही है, और जिन लोगों के पर्यावरण के नजदीक रहे हैं, अच्छे पर्यावरण में रहे हैं, ताजी आबोहवा में रहे हैं, प्रकृति के संरक्षण में रहे हैं, तो उन लोगों को मामूली सा बुखार होके ये कोरोना उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। हिमाचल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सीमेंट 450-450 रुपए महंगा मिल रहा है, और सीमेंट यहाँ पंजाब में जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है, वहां 250 रुपए में मिलता है, तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि सीमेंट जो है हमारे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ लगाई जाए। टूरिज्म इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पर ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर बागवानी है, फूड एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग सकती है, और जिस प्रकार की यहाँ पर आबोहवा है उस हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, जो एयर कूलिंग ज्यादा मांगती है, तो ये इंडस्ट्रीज लग सकती है। तो नेचुरली अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम आगे अपना को नहीं बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।